देश के स्वास्थ्य हालात के बीच कई राज्यों में सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव सरगर्मियां बढ़ा रहा है, तो वहीं अब बिहार में एमएलसी चुनाव न होने को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जी हां, यहां तो कांग्रेस ने नीतीश सरकार के दो मंत्रियों का त्यागपत्र तक मांग लिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फिलहाल सीएम की कुर्सी पर तो हैं, लेकिन इन्हें इस पर बरकरार रहने के लिए जल्द ही विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ लेनी होगी, नहीं तो उनको ये पद छोड़ना होगा। उनके पास 6 महीने का वक्त सिर्फ 28 मई तक है। ऐसे में बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बिहार पर नजर डालें, जहां जेडीयू के साथ से बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज है, तो वहां महाराष्ट्र से भी ज्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि यहां नीतीश सरकार के दो मंत्री ऐसे हैं जो अब तक किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने तल्ख तेवर अख्तियार कर लिए हैं। जी हां, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के विधान परिषद सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मंत्री बने रहने पर हैरानी जताते हुए इसे अनैतिक और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया। मिश्रा ने कहा कि ये सही है कि मुख्यमंत्री किसी भी सदन के सदस्य न रहने के बावजूद किसी को भी मंत्री बना सकते हैं और उसे मंत्री पद की शपथ के 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लेकिन अशोक चौधरी और नीरज कुमार कोई नए मंत्री नहीं, बल्कि मंत्री पद पर रहते हुए बतौर विधान परिषद सदस्य का उनका कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो गया और वो अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे। ऐसे में उन्हें कायदे से मंत्री पद से त्याग पत्र देकर नैतिक और संवैधानिक परंपरा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों मंत्री के साथ ही बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद जी का भी परिषद सदस्य के तौर पर कार्यकाल पूरा हुआ है और उन्होंने परिषद के सभापति पद का त्याग कर दिया है। कांग्रेस नेता ने राज्यपाल और न्यायविदों का भी इस ओर ध्यान खींचते हुए आग्रह किया कि दोनों मंत्रियों के संबंध में कानून सम्मत व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का आग्रह किया है। यानी जिन संवैधानिक मूल्यों के दम पर बीजेपी महाराष्ट्र के उद्धव सरकार को घेर रही थी, वो संवैधानिक मूल्य बीजेपी शासित राज्यों में ही पार्टी भूल बैठी है। ऐसे में अब विपक्ष के तेवर कैसे बीजेपी और जेडीयू की मुसीबत बढ़ाते हैं और क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।